हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मेरा नाम है राहुल और आज के वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल का सेकंड लेग बिटवीन इंटर मिलान एंड बेनफिका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों टीम्स के प्रोबेबल लाइनअप्स, कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर स्पेसिफिक ग्राफिक्स, एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग ग्राफिक, एक हीट मैप आप कह सकते हो जिससे आप अपनी फैंटेसी टीम्स बेहतर बना पाओ, एंड द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। पर अगर आपको हर एक मैच का फैंटेसी कॉम्बिनेशन चाहिए, ए लीग से लेके इजिप्शियन लीग से लेके साउथ अफ्रीकन लीग तक, आपको डाउनलोड करना होगा द व्यू स्पोर्ट ऐप। उसमें ना सिर्फ आपको फैंटेसी कॉम्बिनेशन मिलेगा, आपको मिलेगा बेस्ट स्ट्रीमिंग, बेस्ट एनालिटिक्स और हर एक मैच का फैंटेसी कॉम्बिनेशन। तो डाउनलोड कीजिए द व्यू स्पोर्ट ऐप नाउ। व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, चलिए बात करते हैं, नजर डालते हैं लीग स्टैंडिंग्स में। इंटर खेलती है सेरिया में, जहां पे वो फिफ्थ पोजीशन पे। सिमियोन इंजागी जो है इंटर के मैनेजर, काफी कप स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। लीग फॉर्म उनका इतना अच्छा नहीं होता, बट कप्स में बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कि आप आगे देखोगे कि हम क्यों कह रहे हैं ये बात। सिमियोन इंजागी कप स्पेशलिस्ट मैनेजर है। अगर हम बेनफिका की बात करें, बेनफिका खेलती है पोर्चुगीज लीग पे, जहां पे वो फर्स्ट पोजीशन पे, टॉप ऑफ द टेबल है पोर्चुगीज लीग में, बट इस साल चैंपियंस लीग के इस क्वार्टर फाइनल में स्ट्रगल कर रही है। करेंटली वो ट्रेल कर रही है 2 गोल की डेफिसिट से, जैसे हम अभी आगे देखेंगे प्रीवियस रिजल्ट में, जो कि है फर्स्ट लेग रिजल्ट दोनों टीम्स का। ये फर्स्ट लेग हुआ था बेनफिका के होम ग्राउंड पे दोस्तों, और जैसे आप देख सकते हो बेनफिका 2-0 से होम पे हार गई थी इंटर से। इंटर ये मैच में इतना अच्छा नहीं खेली थी, काफी कॉम्पैक्ट थी डिफेंसिवली, बट 2-0 की जीत से आ रही है। गोल स्कोर आप देख सकते हो, निको बरेला मिडफील्ड से गोल किया, असिस्ट किया था सेंटर बैक बैस्टोनी ने, और लुकाकू ने एक पेनल्टी भी स्कोर की। एक्चुअली बेनफिका के पास इस मैच में स्कोर करने के बहुत सारे मौके थे, बट वो अपने मौके ले नहीं पाए। इंटर अपना टैक्टिकल नाउ, स्पेशली सिमियोन इंजागी, जैसे मैं बोल रहा था कप स्पेशलिस्ट मैनेजर है, उन्होंने अपना टैक्टिकल नाउ दिखाया इस मैच में, बेनफिका के वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट किया और इंटर को एक बहुत ही क्रूशियल 2-0 की लीड दिला दी इस क्वार्टर फाइनल में। चलिए बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रोबेबल लाइनअप्स की, स्टार्टिंग विथ इंटर। दोस्तों, इंटर अपने होम पे खेलेगी, काफी सॉलिड है होम पे, और मैं फैंटेसी वाइज बात करूं, वी एक्सपेक्ट देम टू लाइन अप इन अ 3-5-2 फॉर्मेशन। काफी ऑप्शंस रहेंगे, फैंटेसी रेलेवेंट ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए इस कॉम्बिनेशन में। स्टार्ट करते हैं लोटारो मार्टिनेस और एडिन जेको से, दोनों गोल स्कोरर्स है, दोनों अच्छे टैलिस्मैन है, बट लोटारो मार्टिनेस दोनों फॉरवर्ड में से आपके लिए बेटर पिक रहेंगे। मिडफील्ड की बात करूं तो बरेला एंड मिखितारियन बन जाते हैं आपके लिए स्टैंड आउट पिक्स फ्रॉम द इंटर मिडफील्ड। बरेला ने फर्स्ट लेग में स्कोर भी किया था, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, और मिखितारियन का रीसेंट फॉर्म बहुत ही बढ़िया है, इज लाइक अ मैन रीबॉर्न इन इंटर मिलान। उनका रीसेंट फॉर्म अच्छा है, काफी गोल्स और असिस्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करके आपको दे सकते हैं। डिमार्को और डम्फ्रीज दोनों विंग बैक्स आपके लिए एज यूजुअल अच्छे ऑप्शंस रहेंगे, आपको असिस्ट पोटेंशियल और चांसेस क्रिएटेड से पॉइंट्स मिल सकते हैं। डिफेंस की बात करें तो तीनों डिफेंडर्स बहुत बढ़िया ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए, इसमें स्टैंडर्ड डिफेंडर बन जाएंगे डामियन। पिछले मैच में जो फर्स्ट लेग हुआ था बहुत सारे टैकल्स और इंटरसेप्शंस किए थे उन्होंने, तो डामियन का बेस पॉइंट्स का टोटल ऑलरेडी हाई होगा, उसके साथ साथ अच्छे टैकल और इंटरसेप्शंस और क्लीन शीट के भी डिसेंट चांसेस होंगे इंटर के इस मैच में। बैस्टोनी असिस्ट पोटेंशियल देते हैं आपको, डिफेंस से लॉन्ग बॉल्स खेलते हैं, पासिंग के भी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं, और गोलकीपर आंड्रे ओनाना भी आप जरूर कंसिडर करना। बेनफिका 2 गोल से ट्रेल कर रही है, वो आएगी इंटर पे और वो ट्राई करेगी अटैक करने का, बिकॉज दे हैव टू ओवरटर्न द डेफिसिट, तो ओनाना को अच्छे सेव पोटेंशियल मिल सकता है इस मैच में। चलिए बात करते हैं बेनफिका के प्रोबेबल लाइनअप की। दोस्तों, बेनफिका जैसे मैं बता चुका हूं 2-0 अवे है, 2-0 डाउन है, उनको आके अटैक करना होगा ताकि वो डेफिसिट रिवर्स कर पाए। और लाइनअप की बात करूं 4-2-3-1 में लाइनअप करेगी बेनफिका। स्टैंड आउट 3-4 ऑप्शन है जो आपको मस्ट हैव पिक्स बन जाएंगे बेनफिका के लिए, वो है गोंसालो रामोस, उनके टॉप गोल स्कोरर है, एलीट चांस फिनिशर है ये, बहुत सारे अच्छे पोजीशंस में आते हैं, बहुत क्लिनिकल स्ट्राइकर है, बट फर्स्ट लेग में ये भी कुछ खास कर नहीं पाए, ज्यादा मौके नहीं मिले थे इनके पास। इनके जस्ट पीछे खेलते हैं राफा सिल्वा और लेफ्ट पे खेलते हैं नेरेस। सिल्वा आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस रहेंगे, नंबर 10 पोजीशन पे फ्री रोल खेलते हैं, बहुत सारे चांसेस क्रिएट करते हैं, टिपिकल नंबर 10 है, आपको गोल असिस्ट पोटेंशियल देते हैं। राइट विंग पे खेलते हैं जाओ मारियो, जो है इनके क्रिएटिव हब आप बोल सकते हो, बहुत सारे चांसेस क्रिएट करते हैं। गोंसालो रामोस के बाद मारियो के सबसे ज्यादा गोल और असिस्ट इन्वॉल्वमेंट है। बेनफिका के सारे सेट पीसेस लेते हैं, बेनफिका के पेनल्टी टेकर है, तो आपके लिए बहुत क्रूशियल पिक बन जाएंगे। मिडफील्ड में ऑर्सेंस भी आप कंसीडर कर सकते हो, इनके डिफेंसिव वर्क रेट और डिफेंसिव नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, ये आपको टैकलिंग और इंटरसेप्शन और पासिंग से अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। डिफेंस में बात करते हो, डिफेंस में 2 स्टैंडआउट पिक है, वो है ओटामेंडी एज वेल एज ग्रिमाल्डो। ग्रिमाल्डो क्यों स्टैंडआउट पिक है ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। ओटामेंडी इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, ये सेट पीस से बहुत बड़ा गोल थ्रेट देते हैं आपको। और राइट बैक जिल्बर्टो भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि टैकल और इंटरसेप्शन काफी अच्छे नंबर है इनके भी, और काफी आगे जा रहे, तो अटैकिंग पोटेंशियल भी इनका काफी हाई है। चलिए अब देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफिक। ये ग्राफिक बताता है ग्रिमाल्डो, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था पिछले लेग में, फर्स्ट लेग में उनका हीट मैप अगेंस्ट इंटर। जैसे कि आप देख सकते हो हीट मैप कितना अटैकिंग, उनका कितने आगे पोजीशंस में खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए
मिडफील्ड लाइन के आगे है और यहाँ पे देखिए दो बड़े ब्लॉक्स है जहां पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड किए थे। इनफैक्ट पेनल्टी एरिया के बॉक्स के पास भी बहुत बड़ा हीट मैप है उनका, ग्रिमाल्डो का, ये बताता है कि फर्स्ट लेग में वो कितने अटैकिंग थे। इनफैक्ट उन्होंने 4 शॉट्स लिए थे फर्स्ट लेग में अगेंस्ट इंटर मिलान एंड ही वाज अनलकी नॉट टू स्कोर। काफी अच्छा एक्सजी भी था उनका, ही वाज अनलकी नॉट टू स्कोर, पुअर फिनिशिंग भी आप बोल सकते हो। और इसी मैच में भी जहां पे बेनफिका 2 गोल से डाउन है उन्हें अटैक करना होगा, हम एक्सपेक्ट करें कि ग्रिमाल्डो वापस आ गया है, लेफ्ट फुल बैक है बट काफी आगे आते हैं, तो ग्रिमाल्डो आपको गोल और असिस्ट कंट्रीब्यूशन करके दे सकते हैं इस मैच में। दोस्तों बिफोर वी प्रोसीड टू द फैंटेसी कॉम्बिनेशन, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11। विजन 11 का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फास्ट बॉलिंग करनी है तो फास्ट रन अप भी जरूरी है। अब जिसने भी विजन 11 पे टीम बनाई है असली गेयर तो वही करेंगे। डाउनलोड विजन 11। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। चलिए अब देखते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर इंटर वर्सेस बेनफिका। दोस्तों इंटर होम पे खेल रही है, बेनफिका 2 गोल की डेफिसिट से बेनफिका अटैक करेगी, पर इंटर बहुत ही स्मार्ट है टैक्टिकली, स्पेशली मैनेजर सिमियोन इंजागी, जैसे मैं बता चुका हूँ टैक्टिकली बहुत ही अच्छे हैं, वो कंटेन करेंगे बेनफिका को। हम बैक कर रहे हैं कि बेनफिका शायद स्कोर करे बट इंटर टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट राउंड विच इज द सेमीफाइनल्स। इस कॉम्बिनेशन में हमने कैप्टन किया जाओ मारियो, कोई स्टैंड आउट कैप्टनसी ऑप्शन नहीं है इस मैच में, हमने इनको कैप्टन किया क्योंकि बेनफिका के मोस्ट रिलायबल और मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है। अगर बेनफिका स्कोर करती है हमें लगता है कि मारियो का गोल या असिस्ट होगा उसी में। गोंसालो रामोस लिया हमने बेनफिका से, हमें लगता है कि बेनफिका को स्कोर करने के लिए रामोस का बहुत बड़ा हाथ होगा। रामोस अप फ्रंट खेलते काफ़ी चांसेस मिलने चाहिए उन्हें इस मैच में, जब बेनफिका अटैक करेगी तो रामोस अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। ग्रिमाल्डो की जो हम बात कर रहे थे, कितने अटैकिंग है, कितना आगे खेलते हैं, असिस्ट पोटेंशियल और काफ़ी अच्छे चांस क्रिएटेड पॉइंट्स भी आपको मिल सकते हैं ग्रिमाल्डो से। एंड द लास्ट पिक फ्रॉम बेनफिका ओटामेंडी, जो आपको पासिंग के पॉइंट्स देंगे सेंटर बैक से और सेट पीस से बहुत बड़े थ्रेट है। अगर मैं इंटर के पिक्स की बात करूँ, हम स्टार्ट करेंगे लोटारो मार्टिनेस से, हमने उनको वाइस कैप्टन किया है। जब बेनफिका अटैक करेगी दोस्तों इंटर के पास काफ़ी स्पेस होगा बेनफिका के डिफेंस के पीछे एक्सप्लॉइट करने को, तो इंटर को भी बहुत सारे मौके मिलेंगे स्कोर करने के लिए और हमें लगता है उन मौकों का फायदा उठा सकते हैं लोटारो मार्टिनेस। मिकितारियन और बरेला भी हमने लिया है इंटर के मिडफील्ड से। मिकितारियन जैसे मैंने बताया रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, ये भी बॉक्स टू बॉक्स प्रेजेंस देते आपको, और निको बरेला फर्स्ट लेग के गोल स्कोरर काफ़ी सेफ और रिलायबल ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, ये भी बॉक्स टू बॉक्स प्रेजेंस देते गोल असिस्ट पोटेंशियल भी देते हैं आपको। आप मार्टिनेस को कैप्टन कर सकते हो, बरेला को वाइस कैप्टन कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि इंटर कंफर्टेबली जीतेगी, वी आर ओके विद दैट। डिफेंस की बात करो तो वी हैव अचरबी, बास्टोनी एंड डारमियान, इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेस पॉइंट्स आपको दे सकते हैं डारमियान, बट बास्टोनी भी आपको अच्छा खासा असिस्ट पोटेंशियल देते हैं सेंटर बैक से और अचरबी के भी बेस पॉइंट्स काफी अच्छे हैं टैकलिंग और इंटरसेप्शन से, तो क्लीन शीट पोटेंशियल भी आपको काफी मिल जाएगा। 3 इंटर के डिफेंडर्स हैं हमारे पास और गोलकीपर भी हमने लिया इंटर मिलान का क्योंकि हमें लगता है कि बेनफिका ये मैच में अटैक करेगी, बहुत सारे शॉट्स लेगी और ओनाना आपको अच्छा सेव पॉइंट्स दे सकते हैं इस मैच में। दैट्स ऑल फॉर दिस मैच रिव्यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चीयर्स गाइस।